मम्मी गौर लगाइए, गौर लगाइए, पूरा दुनिया के देखा। मोदी जी बनारस क्यों आए? उनको गुजरात में रहना चाहिए। गुजरात में सीएम रहे, वहाँ विकास कर दिए तब। हाँ, मोदी जी बाघ घंका उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को निगल जाते हैं क्या? 8 से 8 साल पहले समस्या नहीं था क्या देश में? वही ना हम पूछ रहे हैं। तो हम भी तो मोदी समस्या अभी समस्या है तो आप कह रहे मोदी दोषी है। 14 से पहले भी समस्या था, तब कौन दोषी था? ये राम जी का तस्वीर आप लगाए हैं क्या? एक मिनट, मोदी जी भी आए थे तो राम जी का तस्वीर लेकर के आए थे, आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा, भरोसा क्यों करे जनता आप पर? जो चीज वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको गलत बता रहे हैं, तो आप क्यों दोहरा रहे हैं उस चीज को? आप अपने गांव का समाधान कीजिए, विधानसभा लड़िए, अपने यहाँ से सांसदी लड़िए, बनारस जाके चुनाव लड़ना है। विधानसभा तो लड़ ही लिए हूँ, हरियर काहे नहीं पहने, उजर काहे नहीं? ये कपड़ा तो भगवान बुद्ध पहनते थे, मोदी जी भगवान बुद्ध से पहले आए हैं। गंगा माँ का मोदी जी फेकू बेटा है, उनको बेरोजगार मंत्री करना है। आज तकला कोई ऐसा मूर्ख को आप देखे हैं कि गंगा जी में चश्मा पहन के नहाता है? आज तकला कोई ऐसा मूर्ख को देखे हैं कि माई के गोर लगता है, पूरा दुनिया को दिखाता है? माँ का तो आशीर्वाद लेना चाहिए तो पूरा दुनिया का दिखाएंगे। उत्तम कुमार पर CBI के टैक्स मारिए ना, रेड मारिए ना। पुरुषोत्तम के पास क्या है? विपक्ष के पास करोड़ों का संपत्ति है। एक बात बताइए, आप बन गए सांसद मान लेते हैं, हाँ। जो करप्ट है उसके यहाँ ED नहीं भेजिएगा, CBI नहीं भेजिएगा? ये कोई छलावा नहीं है, फेमस होने के लिए। अरे भाई फेमस के की बात है, फेमस सब मोदी जी के खिलाफ खड़ा होगा तो जल्दी फेमस हो जाएगा। बनारस में कौन सा विकास है जो रुका हुआ है, आपके आने के बाद कीजिएगा उसको? बनारस में पहले जाके देखिए ना, कैसे लोग ठेला रिक्शा वाला रह रहा है जी, आप देखे हैं? पटने में नहीं रह रहा ठेला। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिस देख रहे हैं। देखिए अभी हम पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास हैं और यहाँ पर एक अजीबोगरीब बैनर लगा हुआ है। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के खिलाफ एक नौजवान जो है चुनाव लड़ने के लिए उतरा है और अपना जो योजना है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इनके मन में चीज़ें हैं, यहाँ पर आके बता रहे हैं। नाम है पुरुषोत्तम, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। अभी आप भगवा लेकर के आए हैं और मोदी जी के खिलाफ मैदान में? ये कपड़ा पर किसी का अधिकार नहीं है, ये कपड़ा तो भगवान बुद्ध पहनते थे, मोदी जी भगवान बुद्ध से पहले आए हैं, इसलिए कपड़ा पर कोई नो कमेंट। हरियर काहे नहीं पहने, उजर काहे नहीं पहने, जब अधिकार नहीं तो दिखावा तो अभी आज मेरा ये है, कल कोई और पहनेंगे। हर दिन का हर कपड़ा होता है, जैसे मोदी जी दिन दिखाते हैं तो मेरा आज हमरो कोई दिन देखे कहा क्या तुम ही कपड़ा पहनो, तो इस पर क्या बात है? मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है क्या? मोदी जी बाघ घंका उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को निगल जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री है देश के, बड़े पावर वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री हैं, उनको बेरोजगार मंत्री करना है। जिस तरह से वो देश के युवा के साथ और किसान के साथ छलावा किए हैं, तो उनको इस बार गंगा माँ के रियल बेटा से लड़ाई है। गंगा माँ का मोदी जी फेकू बेटा है, मेरा जन्म माँ गंगा की गोद में हुआ है, मोदी जी कभी गंगा नहीं देखे हैं। गंगा के नाम पर लूट करने का काम किए हैं, नमामि गंगे, गंगा में लाश गाड़ने का काम, घर गंगा का पानी पहुंचा रहे हैं। कैसे कह रहे गंगा के बेटा नहीं? मोदी जी कहाँ का दूर के जगह का नाम बताइए ना। अभी उनके सहयोगी है, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। हाँ, शुरुआत हुआ ना यहाँ से, बिहार में मोदी जी पहुँचा दिए, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। इतना बेरोजगारी है तो मोदी जी ना कर दिए, नीतीश जी ना कर दिए। बिहार में क्या वो कंपनी है? जितना में वो गंगा जी ले गया उतना में दो चार वो कंपनी ना बनाना चाहिए हो? कंपनी जरूरी कि गंगा जी ले जाना जरूरी? बिहार का युवा पूछ रहा है हमें कंपनी चाहिए ना, रोजगार करना है ना, कि गंगा जी के पानी से हमको काम? तो गंगा जी के पानी से काम नहीं है, यहाँ से गंगा जी का पानी नहीं ले सकते हैं। शुद्धता के लिए नहीं चाहिए गंगा जी का पानी? पेटवा में खाना रहेगा तब ना गंगा जी देखेंगे, चाहे जी रहेंगे तो वहाँ खाना का व्यवस्था नहीं है, भगवान के देखते रहे। बताइए मोदी जी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ना? देखिए मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं एक सुदूर गांव से आता हूँ, मैं विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ा, मेरा आज़ादी के 77 साल के बाद मेरे गांव में सुई देने की व्यवस्था नहीं है, अच्छे सड़क की व्यवस्था नहीं है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था, एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री आया था। सोचिए जनाब, जहाँ सुई देने की व्यवस्था ना हो और वहाँ के अगर नौजवान लड़ रहा है तो अपना पहचान करने के लिए आपका हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन वह गांव में क्या समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता है। तो हमको आप मोदी जी, आप अपने गांव का समाधान कीजिए, विधानसभा लड़िए, अपने यहाँ से सांसदी लड़िए, बनारस जाके चुनाव लड़ना है? विधानसभा तो लड़ ही लिए हूँ,
हार जीत तो होते रहता है भाई। अपने यहाँ विकास कीजिए ना, जीत करके बनारस क्यों जाना है? मोदी जी बनारस क्यों आए? उनको गुजरात में रहना चाहिए। गुजरात में सीएम रहे, वहाँ विकास कर दिए तब। हाँ, विकास कितना विकास कर दिए आप तो जाकर वो देखे ना, बांधवा गुजरात मॉडल में पूरा देश काम कर रहा है। आइए तो मोदी जी जब कक्ष के वाला बांध पर नितरा रहे थे, बांधवा ढो गया, जाके देखिए ना, उसमें मोदी जी का दोष है। मतलब अच्छा काम किए तो मोदी जी, आ खराब काम किए तो पुरुषोत्तम कर दिया खराब काम। मतलब बढ़िया काम मोदी जी, आ खराब काम कर दिया विपक्ष। आज से 8 साल पहले इस देश में जनता नहीं था, आज से इस देश में पहले अस्पताल नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, कॉलेज नहीं था, लोग नहीं था। 8 से 8 साल पहले समस्या नहीं था क्या देश में? वही ना हम पूछ रहे हैं। तो हम भी तो मोदी समस्या मोदी। अभी समस्या है तो आप कह रहे मोदी दोषी है, 14 से पहले भी समस्या था, तब कौन दोषी था? तो वही 14 से पहले का डाटा जानिए ना, जनाब यहाँ बहुत लड़का है। SSC GD की बहाली 75,000 50,000 आता था, आज 25,000 आया है। उनसे पूछिए ना, उन माँ से पूछिए मोदी जी, जिनका बेटा 7,000 का हाथ में ग्रीन कार्ड था, एयरफोर्स में उनका नौकरी रहता, उनकी माँ के आंसू जाकर पूछिए कि किस तरह से रो रहा है। आज तकला कोई ऐसा मूर्ख को आप देखे हैं कि गंगा जी में चश्मा पहन के नहाता है? आज तकला कोई ऐसा मूर्ख को देखे हैं कि माई के गोर लगता है, पूरा दुनिया को दुनिया का दिखाता है? मैं कहता हूँ आशीर्वाद लेना चाहिए तो पूरा दुनिया का दिखाएंगे, मम्मी गोर लगाइए पूरा दुनिया का दिखाएंगे। जिनको पूरा दुनिया फॉलो करता है तो दुनिया का दिखाएंगे, लोग करते हैं। वाह वाह, पूरा दुनिया के दिखाएंगे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली। ठीक ठीक, तो जब कोरोना काल में प्रयागराज में लाश गाड़ा गया था तो मोदी जी पूरा दुनिया को क्यों नहीं दिखाएं कि देखो कोरोना में लोग मर गया, हम लाश गाड़ा गंगा जी में, ये कहा ना दिखाएं? तो पूरा दुनिया में कोरोना था, सिर्फ भारत में समस्या थोड़े था, हर जगह ये दशा। अच्छा भाई, तो ये कहा ना दिखाएं? दिखाना चाहिए ना। आप ही ना कहे थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कितना रोजगार दिए? आप ही ना कहे थे काला धन वापस लाऊंगा। आज काला धन उठाकर देख लीजिए, मोदी के सरकार में काला धन बढ़ा है। काला धन किसका है जी? भाजपा का है। अगर कोई विपक्ष सवाल उठाता है, CBI ED इनकम टैक्स, पुरुषोत्तम कुमार पर CBI का टैक्स मारिए ना, रेड मारिए ना। पुरुषोत्तम के पास क्या है? विपक्ष के पास करोड़ों का संपत्ति है। इसीलिए ना हम खड़ा हो रहे हैं कि हम किसान के बेटा है ना, हो जिसके पास बाप हमारे सिनेमा पर चौहर के नमक दरारा ना हो। एक बात बताइए, आप बन गए सांसद मान लेते हैं, हाँ, जो करप्ट है उसके यहाँ ED नहीं भेजिएगा, CBI नहीं भेजिएगा? करप्ट भाजपा में करप्ट कोई नहीं है, वो जितना के बढ़ा काला धन उसका वो पर छापा मराया, उसका नाम गिना दीजिए ना 5 गो के। सबसे बड़ी अभी देखिए ना, अग्निवीर योजना आया, मोदी जी प्रधानवीर क्यों नहीं बनते हैं? 8 साल से प्रधानमंत्री है ना, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब 4 साल ही क्यों भाजपा के 5 गो नेता के नाम मोदी जी कहिए बचावे लगी, जिनका बेटा सेना में होगा? भाजपा अपना 5 गो नेता के नाम बताने के लिए कह दीजिए, जो नेता के बेटा बेटी के शादी किसी आर्मी वाला या किसी पुलिस। आप लोग छात्रों को बहका रहे हैं, अभी तक लाखों छात्र इसमें अप्लाई कर चुके हैं अग्निवीर योजना में, लाखों। हम रिकॉर्ड तोड़ बहाली हुआ है न समझे, लेकिन बेरोजगारी इतना चरम पर है तो ये लोग शांति से हो रहा है। देखना, अभी हल्ला कोई कर रहा है? कह रहा है कि इसके सामने महंगाई दिखाइएगा तो यहाँ पर लाठी चलाएगा, मुकदमा करेगा, क्योंकि यह डरपोक सरकार है। आवाज दबाता है, मोदी जी बनारस में आए थे, JNU में भाषण दे रहे थे, वहाँ का जो 7 संघ विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में वहाँ का जो 7 संघ का नेता था उसको नज़रबंद किया गया था कि कहीं काला धंधा न दिखा दे और मेरा विरोध न कर दे। आप क्यों विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हमारे पास कोई ED BD CBI नहीं आएगा, हम एकदम खुलियाम है, किसी के सामने लड़ सकते। जब मोदी जी विकास कर ही नहीं रहे, रोजगार दे ही नहीं, तो कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं, अडानी और अंबानी को मालामाल कर रहे हैं, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे। मोदी जी कहे थे ना, आए हवाई जहाज का किराया कितना है, मोदी जी जानते होंगे? नहीं जानते होंगे, क्या वो टिकट कटाते हैं? उनका टिकट बुक है एकदम, कितना करोड़ के वो हवाई जहाज पर चढ़ते हैं, ऊपर जनता को बताते हैं। चलते आप देखिए, हमारा ये मोदी जी को पुराने बात हम याद करा रहे हैं, इसमें कोई बात नया नहीं है। 15-15 लाख पंद्रह लाख खाते में कम। ये राम जी का तस्वीर आप लगाए हैं क्या? एक मिनट, मोदी जी भी आए थे तो राम जी का तस्वीर लेकर के आए थे, आप भी वही कर रहे हैं? अच्छा, भरोसा क्यों करे जनता आप पर? भगवान कोई के लिखा रजिस्टर हो क्या? जो
जो चीज़ वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको गलत बता रहे हैं, तो आप क्यों दोहरा रहे हैं उस चीज़ को? गजब बात है रे बाप। कलम किताब का क्यों नहीं है? या देखी ना भाई, भारतीय संविधान है, देखी ना, या पढ़ी, मोदी जी संविधान के फोटो छाप सकलखिन है, हमारे भारतीय संविधान है बीच में रखल, और भगवान को मैं संविधान नहीं रखेगा तो ये थोड़ी बोल पाइएगा। संविधान आपको इतना बोलने का अधिकार दे रहा है? भगवान के क्यों रखे हैं? जिस दिन मोदी जी भगवान को नहीं ना जानते होंगे, और हम लोग का जन्म होते बाप माई सिखाता है कि पहले भगवान के पूजा करो, समझी? मोदी जी के घर वाले ने सिखाते हैं? अरे मोदी जी तो पहले झाड़ू लगाते थे आश्रम में, तो भगवान क्या जानेंगे? आश्रम में झाड़ू मारते तो भगवान जानेंगे? झाड़ू मारने वाला भगवान को नहीं जानता है? आश्रम में जा, आश्रम भगवान होगा तब ना जानेंगे। मतलब झाड़ू मार रहे थे, स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, भगवान के तो पूजा पाठ हम ना कर रहे थे, दिखावा जोरदार कर रहे हैं। देखिए दिखावा ये हम नहीं कर रहे हैं, आपको जो लगना है कहिए। हम इस देश के युवा के साथ खड़ा हो रहे हैं कि आपके साथ छलावा हो रहा है, आप हमारा सहयोग दीजिए। कृषि कानून वापस हुआ ना हो, इसलिए ये कोई छलावा नहीं है, पूरा फेमस होने के लिए। अरे भाई फेमस के की बात है, फेमस सब मोदी जी के खिलाफ खड़ा होगा तो जल्दी फेमस हो जाएगा। मतलब मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मतलब फेमस होना, तो आप वही समझ लीजिए फेमस होने के जी, आप वही समझ लीजिए हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं। क्या बात है, ताकि हम सबका तो मुंह नहीं रोक सकते हैं ना। मुंह का बात नहीं है, बनारस को आप कितने जानते हैं? कितने बार बनारस गए? कितना बार बनारस गए हैं? अभी तो हम आपको कह दें कि 100 अगर कोई प्रूफ ना देंगे तो उससे आप झूठे मानिएगा, इसका कोई सच का प्रमाण है? बनारस में कौन सा विकास है जो रुका हुआ है, आप कहने के बाद कीजिएगा उसको। बनारस में पहले जाकर देखिए ना, कैसे लोग ठेला रिक्शा वाला रह रहा है जी, आप देखे हैं? पटना में नहीं रह रहा ठेला। अरे भाई तक वही ना, पहले भी ठेले पर रहता था, आज भी ठेले पर है, तो अच्छा दिन क्या हुआ? ये सवाल है ना मेरा, हम अच्छा दिन खोजने के लिए घूम रहे हैं, अच्छा दिन के लिए मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, पुरुषोत्तम कुमार हैं, बख्तियारपुर से पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, सफलता नहीं मिली है, अब बनारस चुने हुए हैं, हो सकता है कि फेम के लिए हो या फिर जो जनता जो है उसको जागरूक करने का प्रयास हो। अभी पटना के गांधी मैदान 10 नंबर गेट पर हैं और बनारस से ये चुनाव लड़ेंगे। पुरुषोत्तम, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या ये कोई अपना विजन लेकर आए हुए हैं या फिर फेमस होने के लिए है? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटे पर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।